तो दोस्तों ये है 220 वोल्ट का डायरेक्ट बैटरी जिससे आप बिजली के सारी चीजें चला सकते हैं। ये है मेरे पास 850 वाट का ग्राइंडर। तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव चला के दिखाता हूँ। ये है इसका तार और यहाँ पे मैं इसकी साकट में लगा देता हूँ और यहाँ से बटन मैंने पहले से ऑन कर दिया है। यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और ये है एक एनर्जी सेवर। यहाँ से मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ। अब ये वाला ग्राइंडर मैं बिजली से भी आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि लोग ये न कहें कि ये 12 वोल्ट ग्राइंडर है। तो ये है भाई साहब वही वाला ग्राइंडर और ये है बिजली का बोर्ड। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट 220 वोल्ट बैटरी बनाएंगे जिसपे घर के आप सारे चीजें बगैर किसी यूपीएस और बगैर इन्वर्टर के चला सकोगे सिवाय दो चीजों के। तो वो कौन से है वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों को सारी चीजें सारा तरीका बताऊंगा और ये तरीका शायद आप लोगों को यूट्यूब पे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दे ताकि सब लोग इसे फायदा उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये बैटरी खोलना है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ जो है बैटरी का लाजमी यूज़ करें अगर आपके पास बैटरी नहीं है। ये बैटरी हम इसको बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम हरी कवर के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं बना सकते, आप ये चीज़ किसी और कवर से भी बना सकते हैं। ये है गाइस बैटरी के पलेटे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पार्टीशन है इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी मैंने कॉल के अंदर से मुकम्मल साफ कर ली है और इसके सारे पार्टीशन जो है मैंने काट दिए हैं और अभी जो है बारी आती है इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट बनाने की। तो इसके लिए हमें चाहिए 18650 के सेल। तो आप लोग भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि सारे एक कंपनी के हों और सेम सेल हों। तो मैंने ऑलरेडी इसको मीटर से चेक किए हुए हैं तो ये सारे जो है एक एम्पियर के आसपास है, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ज़्यादा नीचे ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो सारा बेकार बनेगा। तो इसमें जो है हमें चाहिए टोटल 55 सेल। 55 सेल से हमारे 231 वोल्ट बनेंगे, 4.2 वोल्ट जो है एक सेल होता है और जो 231 वोल्ट बनेंगे। तो आप लोगों ने अगर आपने एरिया के हिसाब से बनाना है, अगर आपके एरिया में 220 वोल्ट आता है तो आप जो है 52 या 51 सेल भी सीरीज में लगा सकते हैं और अगर 230 से ऊपर आते हैं तो आप 55 सेल इस्तेमाल करके 231 वोल्ट बेहतरीन जो है बैटरी बना सकते हैं। तो इस पे आपकी घर की सारी बिजली वाली चीज़ें चलेगी। तो यहाँ पे सारे सेल जो है आप लोगों ने सबसे पहले चेक करने हैं और इसको बनाने से पहले आपने सारे सेल पहले फुल चार्ज करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेल है ये मेरे सारे चार्ज हैं और आप लोगों ने भी चार सेल जो है लगाने हैं। 4.2 वोल्ट है सारे आप लोगों के सामने हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने सबसे जो है पहले सारे सेल चार्ज करने हैं। मैंने ऑलरेडी चार्ज किए हुए हैं, अगर आपके बीच में कोई सेल डिस्चार्ज होंगे तो फिर इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं 55 सेल जो है सीरीज में लगाऊंगा। सीरीज में लगाने का तरीका क्या होता है कि एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस के साथ लगाना पड़ता है, फिर दूसरे सेल का माइनस इस सेल के प्लस के साथ लगाना पड़ता है, तीसरे सेल का माइनस इसके प्लस के साथ लगाना पड़ता है। तो इस तरह लाइन पे लगा के और इसके एक एक टांका बीच में लगा के इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो सब हमने सीरीज में लगा देने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको काव्या से जो है 9-9 सीरीज का एक एक लाइन बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये दो ऊपर से कनेक्ट करना है, ये दो कनेक्ट करना है, ये दो कनेक्ट करना है, ये दो कनेक्ट करना है और नीचे से हमने जहाँ से ऊपर से कनेक्ट किया हुआ है इसको नीचे से ये दो कनेक्ट करना है, फिर ये दो ऊपर से कनेक्ट किए हुए हैं नीचे से ये दो कनेक्ट करना है, ऊपर से ये दो कनेक्ट किया हुआ है तो नीचे से ये दो कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा सीरीज कनेक्शन बनेगा, यानी इस तरह करते करते और ये यहाँ तक जो है हमारे 9 सेल सीरीज में हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा 9 सेलों का एक सीरीज जो है ये तैयार हो गया है और इसी तरह जो है मैं सारा 9-9 सीलों का सीरीज जो है जल्दी जल्दी तैयार कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बाकी कनेक्शन करने का तरीका बता देता हूँ। तो गाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर मैंने 9-9 सील के जो है आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इन सारों को जो है हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सिंपल तरीका है, ये जो दो लेयर है इसके ये वाले माइनस और प्लस हमने कनेक्ट करने हैं और यहाँ पे इन दो लेयरों का नीचे वाले साइड से माइनस प्लस और माइनस हमने आपस में कनेक्ट करने हैं और फिर यहाँ से आके इन दोनों का प्लस माइनस हमने ऊपर से कनेक्ट करने हैं और फिर इन दो लेयरों का नीचे से हमने प्लस माइनस कनेक्ट करने हैं और फिर ये वाला जो प्लस माइनस है इसको हमने कनेक्ट करना है और हमारे पास इस सेल का और इस सेल का ये जो दो सारे हैं ये हमारे फाइनल जो है आउटपुट होंगे। लेकिन आपने जब ये सारे सीरीज में कनेक्ट करने हैं तो फिर आप लोगों ने बहुत ध्यान करना है कि इन दोनों के साथ आप लोगों का हाथ टच ना हो, ये आप लोगों को बिल्कुल बिजली जैसा करंट देगा। तो अगर आपका एक के ऊपर हाथ हो तो आपको करंट नहीं देगा, लेकिन अगर आपका दोनों के ऊपर हाथ आ जाए तो फिर ये आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है। तो चलिए मैं इसका जल्दी जल्दी कनेक्शन कर लेता हूं। तो इन सबको कनेक्ट करने से पहले मैं इसके ऊपर टेप लगा लेता हूं।
मैं इसका कनेक्शन सीरीज में लगाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है काफ़ी डेंजरस काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है इसने करंट भी देना होता है। तो ये एक साइड कनेक्ट हो गया है, अब हमने दूसरी साइड पे करके और ये वाला जो साइड है इसको हमने कनेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ तक हमारा जो सिस्टम है वो तैयार हो गया है। ये जो है हमारा 220 वोल्ट का जो है बैटरी तैयार हो गई है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। तो ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। गाइस 229 वोल्ट, क्या बात है भाई साहब। इसके ऊपर आप कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन तब तक सब्र कर ले जब मैं इसको पूरी तैयार कर लूँ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, इसको चार्ज कैसे करना है, इसको डिस्चार्ज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है अभी बाकी है। तो सबसे पहले जो है हमने इसके साथ प्रोटेक्शन लगाना है। प्रोटेक्शन लगाने के लिए यहाँ पे जो है मेरे पास 12 वोल्ट 40 एम्पियर का BMS है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। और इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि इसको मैंने लास्ट में 3 सिलों के साथ लगाना है। तो जब वो हमारे 3 सिल फुल होंगे तो साथ में जो है ये बाकी भी कट ऑफ होंगे, तो इससे जो है हमारे सारे सिल जो है ना ओवर चार्ज होंगे ना ओवर डिस्चार्ज होंगे। जब इसके वोल्ट 3 वोल्ट तक आएंगे तो ये BMS कट ऑफ करवाएगा, तो ओवर डिस्चार्ज भी नहीं होंगे और ओवर चार्ज भी नहीं होंगे। और इसके अलावा इसके बैलेंसिंग के लिए आप इस बैलेंसर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 सेल वाला है, तो इसको आप बहुत सारे मंगवा के और एक एक सेल के साथ लगाओगे तो ये जो है आपके सारे सेल बैलेंस करवाएंगे। तो मैंने फिलहाल बैलेंसिंग नहीं लगवानी, क्योंकि मेरे पास जो सेल है ये यूज़ नहीं है, तो इसमें कुछ कम और ज़्यादा एम्पियर के हैं, तो इसको बैलेंसिंग होने में भी काफ़ी टाइम जो है लग सकता है। तो पहले जो है मैं प्रोटेक्शन के लिए BMS लगाने का आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बिजली से डायरेक्ट चार्ज करने का तरीका बताऊँगा। तो गाइज़ अब इसके साथ जो है प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो प्रोटेक्शन लगाने से पहले जो है सबसे पहले मैं इसके साथ प्लस वाला तार लगा देता हूँ, और इसके बाद जो है हम माइनस वाला तार लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्शन है BMS में वो माइनस में ही होता है, प्लस जो है ये इसका डायरेक्ट होता है। तो ये हो गया भाई हमारा पॉजिटिव वाला वायर, और अब जो है हमने इसको इस तरह बॉक्स में फिट करना है। तो जो सबसे लास्ट 3 वाले सेल है इसके साथ हमने BMS कनेक्ट करना है। तो पहले जो है मैं आप लोगों को लास्ट 3 वाले सेलों का जो है डायग्राम दिखा देता हूँ। ये माइनस है, ये प्लस है, इस सेल का ये माइनस है और इस सेल का ये प्लस है, यहाँ से इस सेल का माइनस है और ये इस सेल का प्लस है। तो यहाँ से हमारे इस बैटरी का ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है और ये बैटरी का नेगेटिव वाला पॉइंट है, तो नेगेटिव वाले पॉइंट की तरफ आप लोगों ने BMS इस तरह रख लेना है। और ये जो BMS का 0 वोल्ट है इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, और 4.2 वोल्ट आपने यहाँ इसके साथ कनेक्ट करना है, और 8.4 वोल्ट जो है आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, और 12.6 वोल्ट जो है आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे आपने इस BMS को रखना है बिल्कुल सेम आप लोगों ने इस 4 पॉइंटों के साथ इसको दस्ती दस्ती जो है कनेक्ट करना है, और इसमें इसके अलावा और कोई भी बड़ा साइंस नहीं है। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, तो जो नेगेटिव पॉइंट है वो हम यहाँ BMS से लेंगे, तो ये हमारा प्रोटेक्शन होगा। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये पूरा बैटरी जो है कट ऑफ करवाएगा, और जब बैटरी फुल चार्ज होगी तब जो है ये BMS किस बैटरी को कट ऑफ करवाएगा। तो ये जो है हमारे ये 3 सेल जो है इस पूरी बैटरी का जो है कट ऑफ कनेक्शन करवाएगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल उसी तरह मैंने BMS लगा दिया है। तो अब ये जो सारे सेल हैं इसका ये वाला जो पॉजिटिव पॉइंट है, एक आउटपुट हमारा ये पॉइंट है, और यहाँ पे जो है हम एक आउटपुट पॉइंट जो है माइनस से लेंगे, तो ये हमारा BMS जो है प्रोटेक्शन होगा। जब भी ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से जो है आउटपुट आना बंद हो जाएगा, तो इससे जो है हमारे सेल ख़राब नहीं होंगे। तो अब मैं जो है दूसरा तार यहाँ से लगाऊंगा, तो ये जो है हमारे 2 तार जो है इस्तेमाल होंगे बिजली के लिए। तो चलिए ये वाला मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी टांका कर लेता हूँ। तो दोस्तों BMS लगाने के बाद हमारे पास इसके 2 तारें आ गई हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। तो BMS के साथ आप लोगों ने प्लस तार नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ से जो है आपको सिर्फ 12 वोल्ट आउटपुट मिल सकता है। BMS से हाली माइनस हमने इसलिए लगाए हैं कि ये जो है माइनस पे प्रोटेक्शन करता है, कट ऑफ करवाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो बैटरी है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अब चलिए इसके चार्जिंग के बारे में जो है आप लोगों को बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने चार्ज कर कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको बॉक्स में रख लेता हूँ। तो चार्जिंग करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो है आप लोगों ने एक ब्रिज बनवाना है, और ब्रिज जो है आप लोगों ने कुछ इस तरह बनवाना है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो है डायोड है 4 और इसका नंबर है 4007। तो इसको आप लोगों ने कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। 2 डायोड की सफ़ेद पट्टी एक साइड पे कर देना है और 2 डायोड की काली पट्टी एक साइड पे कर देना है। तो सफ़ेद वाली पट्टी प्लस होगी और काली वाली माइनस होगी। ये प्लस और माइनस जो है ये सीधा हमने अपने बैटरी के चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं, और ये जो 2 है इसको हमने वापडा के साथ लगाना है। लेकिन वापडा के साथ लगाने से पहले हमने इसके साथ एक और चीज़ लगाना है। वापडा के साथ लगाने के लिए हमने यहाँ से जो है इसके साथ एक 10 UF का 10 μF का जो है कैपेसिटर यूज़ करना है, और इसको हमने सीरियस में यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके एक तार के साथ ये लगा लिया है। तो अब हमारे पास एक ये तार हम बिजली में लगाएंगे और एक ये तार लगाएंगे।
और ये जो दो आउटपुट तारे हैं ये हम बैटरी के साथ लगाएंगे, इससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो इसका बहुत आसान जो है चार्जिंग वाला सिस्टम है और 10 माइक्रोफैरड का विस्तार से जो है ये 50 से 60 वाट के ऊपर चार्जिंग होगी। अगर आपने इसको जल्दी चार्ज करना है तो फिर आप 20 यूएफ का कैपेसिटर लगा लें तो इससे जल्दी चार्ज होगी। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी फिक्स करके आप लोगों को फिर बता देता हूँ। तो इसका ये जो ढक्कन है, ढक्कन में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक बटन और एक सॉकेट लगा लिया है और इसके ये जो दो तारे हैं इसको हमने एक ये जो लाल वाला तार है इसको मैंने बटन के साथ लगाना है और जो काला तार है इसको मैंने सॉकेट के साथ लगाना है। तो जब यहाँ से हम ऑन करेंगे तो हमारा जो सॉकेट है वो ऑन होगा। और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे इसमें एक मीटर लगा लिया है, इसके साथ मैंने यहाँ पे एक बटन लगा लिया है। तो इसको ये जो तारे हैं इसको मैं ये BMS के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये हमें 12 वोल्ट बैटरी के तौर पे पता चलेगा कि हमारी इस पूरी बैटरी में कितना चार्ज रह गया है। जब ये 9 वोल्ट पाएगा तो 9 वोल्ट पे हमारी बैटरी बिल्कुल खाली होगी और 12.6 वोल्ट पे हमारी बैटरी बिल्कुल फुल होगी। तो इस तरीके से हमें इस मीटर से पता चलेगा। तो वैसे अगर आपके पास 250 वोल्ट तक मीटर है तो आप इस पूरी बैटरी का भी उसके ऊपर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास जो DC मीटर है ये मैक्सिमम 100 वोल्ट तक जो है रेंज है इसका, तो इस वजह से ये पूरी बैटरी का वोल्टेज हमें नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं इसको जो है सिर्फ 12 वोल्ट ये जो BMS है इसके साथ इसको कनेक्ट करूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा आप इस तरह का ब्रिज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ये वाला लगा लेता हूं क्योंकि ये जो है इसके अंदर ये तारे आपस में टकराएगी तो शॉर्ट होगा, तो इसलिए मैं ये वाला जो है इसमें लगा देता हूं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सब ये चीज़ों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको सारी चीज़ें जो है आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिज वाला कनेक्शन मैंने कर दिया है, बिजली से एक तार आया हुआ है ये कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है और कैपेसिटर से जो दूसरा तार आया हुआ है ये ब्रिज के साथ लगा हुआ है। तो ब्रिज से हमारा जो है दो आउटपुट तारें निकलती हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। आप लोगों ने जो कैपेसिटर है ये ब्रिज से पहले वाली साइड पे लगाना है, बाद वाली साइड में जो है ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास माइनस और प्लस तारे हैं इसको डायरेक्ट जो है मैं बैटरी के तारों के साथ जोड़ लेता हूँ, तो ये जो है हमारा चार्जिंग का सिस्टम मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो यहाँ पे जो है मैं प्लस प्लस के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और माइनस जो है मैं माइनस के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी सिंपल हमने ये प्लस वाला तार जो है ये बटन में लगा देना है और जो माइनस वाला तार है ये हमने सॉकेट में लगा देना है, तो हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये भी मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों सारे चीज़ें मैंने फिट कर दी हैं और यहाँ पे बटन का और सॉकेट का भी मैंने कनेक्शन लगा दिया है। तो अब जो है फाइनली इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ पे इस साइड पे मैंने इसमें चार्जिंग वाला सॉकेट भी लगा दिया है और ये पत्री भी लगा दिया है पैच टाइट करने के लिए। तो दोनों साइडों पे मैंने दो पत्री लगाई है और साथ में मैंने सुराखें भी की है। तो ये चीज़ें जो है आप अपनी मर्जी अपने तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं इसको टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और 12.6 वोल्ट इसका जो अभी बैटरी है ये बिल्कुल फुल है। तो जैसे ये 9 वोल्ट पाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी पूरी बैटरी जो है खाली हो चुकी है क्योंकि ये BMS जो है बाकी सिरे के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो चलिए आप पाइनलिस को टेस्ट कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को शोरूम में बताया कि इसमें दो चीजें नहीं चलेगी, वो थी दो चीजें क्या है, वो है एक पानी वाला मोटर और एक है फ्रिज या पुराना पंखा। इसके ऊपर आप AC DC पंखा भी डायरेक्ट AC पॉइंट से चला सकते हैं, तो ये इंडक्टिव लोड नहीं चलाता, बाकी इसके ऊपर आप हर चीज चला सकते हैं। और DC इन्वर्टर वाला फ्रिज भी चल सकता है, यानी पुराने मॉडल जो फ्रिज है वो नहीं चल सकता। तो चलिए एक बार आप लोगों को चार्ज करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें चार्जिंग वाला सॉकेट लगाया हुआ है, पावर डिवाइस में लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने वाट पे जो है ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डिस्कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब ये डिस्कनेक्ट इसलिए हो गया कि यहाँ पे जो है हमारा बैटरी फुल है, जब बैटरी कम होगी तो फिर जो है ये चार्जिंग शो करेगा। तो एक बार मैं इसको निकाल के दोबारा लगाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 43 वाट जो है शो कर रहा है, 42-43। तो थोड़ी देर में बाद फिर डिस्कनेक्ट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो जब बैटरी फुल होगी तो फुल होने की सूरत में जो है ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होगा। तो BMS का जो है इसमें यही फायदा है और भाई बेहतरीन चीज़ बन गया है। तो चलिए आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा लोड भी चेक कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब इसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये है हमारे पास एक फिलिप्स कंपनी का एनर्जी सेवर जो कि 18 वाट है और ये आप लोगों के सामने मैंने इसमें लगा दिया है। क्या बात है भाई साहब, ये हो गया भाई 18 वाट का एनर्जी सेवर। और अब ये हमारे पास आते हैं 150 वाट का जो बड़ा लाइट और इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैंने एक वीडियो में बनाया था और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये भी आप लोगों के सामने मैं इसमें लगा देता हूँ। ये देखो भाई साहब क्या बात है यार, तो ये इतना बड़ा लाइट है कि कैमरे में भी नहीं आ रहा। और ये है हमारे पास 100 वाट का बल्ब जो कि नॉर्मली सब लोग जानते हैं। और ये हो गया, क्या बात है भाई साहब, ये है 850 वाट का ग्राइंडर है भाई साहब। ग्राइंडर ये ऐसे चलाएगा जैसे बिजली भी नहीं चला पाएगा। इसका बटन और डारी के आने है, यहाँ से देखा भाई साहब। और ग्राइंडर का जो बटन है वो ऑलरेडी ऑन है, क्या बात है भाई साहब, ये देखो।
तो अभी आप लोगों को एक बात बताओ कि ये 1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर की बैटरी है, तो इस पे आप ग्राइंडर चला तो सकते हैं लेकिन आपको चलाना नहीं चाहिए। उसका वजह ये है कि इसके ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है। अगर आप इससे ज्यादा एम्पियर वाले बनाते हैं, 6 एम्पियर वाली या 7 एम्पियर वाली, तो उसके ऊपर आप ग्राइंडर बेफिक्र होकर चलाएं। और वैसे ये बेहतरीन चीज है, इसके ऊपर आप खाली इंडक्टिव लोड नहीं चला सकते हैं, इसके अलावा घर के सारे चीजें, LED TV हर चीज जो है ये चलाएगा और ये पूरा बैकअप देगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इस बैटरी के बारे में और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पुराना चीज चेक करा के दिखाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं इंशाल्लाह विराग वाले चैनल के इसके ऊपर पूरा रिव्यू करके आप लोगों को बताऊंगा कि ये बैटरी कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।